आज के आपके मुख्य अतिथि जिनका नाम लेते ही चाहे वो करावल नगर में हो, मुस्तफाबाद में हो, गोकुलपुरी में हो या हमारे मटियाला में हो, उनका नाम लेते ही लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आने लग रही है। ऐसे आप सबके सोशल मीडिया मीट के मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में जिन्होंने समय दिया है आपसे बात करने का, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया मेरे साथियों, ऐसे हमारे अमित भाई शाह जी को हमारे तरफ से भी एक बार दोनों हाथ तालियां बजा करके स्वागत कर दीजिए। आप लोग दोनों हाथ उठा के स्वागत कर दीजिए। ये स्वागत अमित शाह जी का, ये स्वागत भारत के उस सपूत का, ये जो आप स्वागत कर रहे हैं ना, इस स्वागत में, इस स्वागत में मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्वागत देख रहा हूं मेरे साथी। ये स्वागत पहुंच रहा है, ये स्वागत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास तक पहुंच रहा है और ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है। भैया बस 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 बस, भैया बस बस बस, समय थोड़ा कम है वरना मैं रोकता ही नहीं। ये सम्मान, ये स्वागत सोशल मीडिया के उन भाई बहनों के द्वारा हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के पदों पे नहीं है, ये स्वागत उनके द्वारा हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के पद पे भले न हो लेकिन वो भारत माता के बच्चे के पद पे विराजमान हैं, उन लोगों का स्वागत है। हमारे मंच पे उपस्थित डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भैया विजय गोयल जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी, मेरे भाई प्रवेश वर्मा जी, हमारे भैया रमेश विधोड़ी जी, हमारे हंसराज हंस जी और जो हमारे आईटी सोशल मीडिया के, भारतीय जनता पार्टी आईटी सोशल मीडिया के प्रमुख हैं, ऐसे अमित मालविया जी मंच पे बैठे हैं और हमारे दिल्ली के आईटी सोशल मीडिया के हेड भी पुनीत अग्रवाल बैठे हैं। इन सब लोगों का स्वागत करते हुए जो सामने हमारे विविध क्षेत्रों के लोग बैठे हैं, अपने अपने तरह से समाज में अपनी पहचान बना करके जो आप लोग बैठे हो, फोगाट पहन वो भी यहां बैठी हैं, हमारे वर्ल्ड कप में क्रिकेट में अपनी बॉल से हैट्रिक लेने वाले चेतन शर्मा जी बैठे हैं, हमारे ये जो फैशन की दुनिया का एक कितना बड़ा नाम हबीब भाई बैठे हैं, मैं इन नामों में जाऊंगा बहुत दूर तक समय लगेगा इसलिए मैं क्षमा मांग लूंगा। मैं तो आज जब इसके पहले कि अपने मुख्य वक्ता, आज मैंने मोटा भाई का अर्थ समझा है। मैं पहले कभी मैंने पूछ दिया मुझसे तो मोटा भाई मतलब बड़का भैया, हमारे पूरे देश के युवाओं के बड़का भैया अमित शाह जी आपसे बात करेंगे। कल मैं उनके साथ पूरा दिन बिताया, मैं बहुत कुछ सीखा हूं पिछले 3 वर्षों में।
मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाने से लेकर लोग कहते हैं कि वो बहुत गंभीर रहते हैं, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लागू करने का भार हो वो गंभीर तो रहेंगे ही। लेकिन आज मैं पहली बार बोलूंगा, मैंने कभी बोला नहीं, वो कितने भी गंभीर रहे एक बार मुस्कुरा देते हैं तो 3 महीने की ताकत मिल जाती है। हमारे मंच पे संजय मयूख जी भी, यहाँ संजय मयूख जी भी सामने हैं, वो मेरे भाई बहन। दिल्ली का चुनाव 8 फरवरी को है और दिल्ली के चुनाव में एक तरफ झूठ भ्रम अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, और एक तरफ सत्य के रास्ते पे चलते हुए इस देश को, मां भारती को बुलंदी पे पहुंचाने के ध्येय के साथ पहुंचते हुए, दिल्ली को सुरक्षित रखने के जिद के साथ, घर घर में शुद्ध जल पहुंचाने की नियत, प्रदूषण को कम करने की नियत, इन सारी नियतों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है एक तरफ, और एक तरफ वो लोग भी खड़े हैं जिन्होंने 15 साल दिल्ली में 15 साल जिन्होंने शासन किया, स्टेट में भी थे, केंद्र में भी थे 10 साल, लेकिन एक झुग्गी में तीसरा नल नहीं लग पाया। आप लोग कभी देखे होंगे, याद है आपको, किसी झुग्गी में जो लोग 5 साल शासन किए उनको भी बोलना चाहता हूं और गृह मंत्री जी को भी बताना चाहता हूं, एक झुग्गी में एक या दो ही नल आता है। मैं पहले झुग्गी की बात कर रहा हूं, एक झुग्गी में दो या एक नल आता है, वो नलवा से 15 साल पहले भी जो पानी आता था वही आज भी आता है, 15-20 साल पहले भी उस नल का कोई बिल नहीं आता था, आजो नहीं आता है। हां, रात के 3 बजे बहन को जाग जाना पड़ता है क्योंकि उसी समय पानी आता है, अपने गोद के बच्चे को किनारे रखती है और लेकर के कंडाल लाइन में लग जाती है। ये सब की जानकारी में है। वह लांडाली का पानी आता, ठीक कह रहे हैं, उस गटर के पानी मिक्स जब वो पानी आने लगा तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ा कि हर घर में जब तक नल से शुद्ध जल नहीं पहुंचा देंगे चैन से नहीं बैठने वाले हैं, ये हमारा शपथ हो गया। तो किसी ने कहा कि भाई झुग्गी में जो घर है उसको कैसे पानी पहुंचेगा, तब शुरू कर दिया जहां झुग्गी वहीं मकान। और मेरे भैया हो, दीदी हो, मेरा समय, मैं बहुत सारा समय सर को देने वाला हूं, मैं तो स्वागत करने के लिए खड़ा हूं, लेकिन एक जानकारी जरूर देना चाहता हूं सर को भी, आपको भी। जब ये चुनाव आया तो एक नारा देख रहा हूं, अच्छे बीते 5 साल। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके टीम में कुछ उनके विरोधी बैठ गए हैं, वो जिनको भाड़े पे लाए हैं कहीं वही तो साजिश नहीं कर रहे उनके खिलाफ, क्योंकि 4.5 साल तक तो केजरीवाल जी भी कहते थे कि मोदी जी काम ही नहीं करने दे रहे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, एलजी काम ही नहीं करने दे रहे कहते थे ना, और कहते नहीं थे सर मैंने तो अब तक धरना सुना था, वो एलजी के घर पसरना पे आ गए, वो पसर गए थे सर, सोफे पे लेट गए 10 दिन 9 दिन, देखा आपने ना, देखा था ना। अब 4.5 साल तक जब कम में नहीं करने दिए तो अच्छे कैसे बीत गए 5 साल। तो दिल्ली की जनता कह रही है कि बहुत बुरे बीते हैं 5 साल, अब माफ करो, नहीं चाहिए। मेरे भाई बहन, कल मैं सर को लेके गया था करावल नगर में, जब उनको लेकर के भाषण में स्वागत कर रहा था तब तो एक आदमी उधर से आ गया, एक तो बिल हिलाते हुए, कहा है क्या भैया, हम सोचे कहीं कोई विरोधी कुछ कर तो नहीं रहा है। अच्छा, मैं सर तो बोले थे ग्रुप मीटिंग करनी है, अब 6-7 हजार आदमी आ गए, हम क्या करें, बिना मतलब स्वतः क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सेल्फ अटेम्प्ट, सेल्फ मोटिवेटेड, हाँ ठीक बोले,
सेल्फ मोटिवेटेड। तो मैं सर ने पूछा, मनोज क्या है, पूछ लो। तो मैं थोड़ा घबराया, पता नहीं क्या होगा। उसके हाथ में बिल था जो 88 यूनिट का 337 रुपया बिल आया था डॉक्टर, 88 यूनिट का। और बिल कब का था? इसी जनवरी का था, 50,000 का बिल है पानी का, 90,000 का बिल। अच्छा कोई, हम समझ गए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे भाई बहन, इन सारे झूठ का अगर पर्दाफाश करने का दिन है तो 8 फरवरी को कमल का बटन दबा के कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं आपका मुद्दा क्या है? भैया मेरा मुद्दा शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है, हमारा मुद्दा ट्रांसपोर्ट की दुरुस्ती है, हमारा मुद्दा यमुना मैया पे रिवर फ्रंट है, हमारा मुद्दा दिल्ली के बंद हो रहे अस्पतालों को अच्छे व्यवस्था में चालू कराना है, हमारा मुद्दा हर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर देना है। हमने स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में 2-2 वेंटिलेटर दिया, 43 लोगों को मौत के मुंह से निकाल के ले आए, हमें गर्व है उसका। लेकिन वो लोग जो कहते हैं हम शाहीन बाग का समर्थन करते हैं, वो लोग जो कहते हैं, अरे समर्थन करने वालों सुन लो, शाहीन बाग में कहा गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मार डालेंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मार डालेंगे कहने वालों का समर्थन कर रहे हो? हिंदुओं की कब्र खुदेगी कहने वालों का समर्थन करने वालों, मैं आप लोगों के दरबार में केवल कह के जा रहा हूं, मैं बैठने जा रहा हूं, मैं सर को बुलाऊंगा, मैं बहुत समय ले लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हत्या की साजिश रचने वालों, 8 फरवरी को आपको दिल्ली जवाब देगी। और ये जवाब देने के लिए आप सभी को, परिवार के लोगों को, आप सोशल मीडिया के लोगों का आह्वान करता हूं, कहने को हमारे पास बहुत है मेरे भाई बहन, लेकिन हमारा एक ही विनती है, आप सब इसको फैलाना, एक ही बात, बहुत हो गया है नुकसान, आइए बीजेपी के साथ करते हैं समाधान। देश बदला है, अब एक बार दिल्ली बदलने का मौका दे दीजिए। इन्हीं भावना के साथ मैं अपने अभिभावक स्वरूप, अपने बड़का भैया और देश के गलियों में जिनको अमित शाह जी को शेर की भूमिका मिल रही है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी को सफलतम बनाने वाले अमित शाह जी का मैं स्वागत करता हूं।